Hello everyone, I am Anil Kumar, your biology teacher. Hope you are doing great. This is the third lecture video of Molecular Basis of Inheritance. In this video, we will discuss the search for the genetic material. जेनेटिक मटेरियल के सर्च के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट ने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, जैसे कि मेंडल। उन्होंने स्टार्टिंग में ये बताया कि एक्चुअल में जो करेक्टर है वो डिराइव होते हैं जीनोटाइप से, सर्टेन कोई फैक्टर है जो ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है। सुतन एंड बोरी ने उनको बताया कि एक्चुअल में क्रोमोजोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं एंड उनके द्वारा जो करेक्टर जो है वो आते हैं। एंड उसके बाद में जो मोर्गन है उन्होंने बताया कि जो क्रोमोजोम है उनके अंदर जीन्स प्रेजेंट है और जो जीन जो है उसके द्वारा जो करेक्टर है वो एक जनरेशन से अगली जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होता है। बट जीन्स किस चीज की बनी हुई है इसके ऊपर अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं आई थी। सो इन द सर्च ऑफ व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड इट, हाउ करेक्टर गेट एक्सप्रेस्ड, हाउ द करेक्टर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इन डिफरेंट एस्पेक्ट को देखते हुए कुछ एक्सपेरिमेंट हुए करके हम इस वीडियो के अंदर तीन एक्सपेरिमेंट देखेंगे। एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, दूसरा एवरी मैक्लोइड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट एंड तीसरा हर्से चेज एक्सपेरिमेंट। सो फर्स्ट हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं जिसको हम कहते हैं ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट या फिर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ग्रिफ्थ एक साइंटिस्ट था, 1928 के अंदर इस साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के लिए उसने यूज किए दो टाइप के बैक्टीरिया, यूज टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, और जो बैक्टीरिया था उसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का जो बैक्टीरिया है उसके दो टाइप थे भी, एक रफ कॉलोनी बनाने वाला आर टाइप बैक्टीरिया और एक था एस टाइप बैक्टीरिया। आर टाइप और एस टाइप उसको क्यों कहने लग रहे हैं, क्योंकि जो आर टाइप है यानी कि जो रफ टाइप है वो कॉलोनी बनाता था, कैसी रफ, एंड जो एस टाइप है उसके चारों तरफ एक पॉलीसेक्राइड की एक लेयर प्रेजेंट थी जिसकी वजह से उसका जो बाहर का सरफेस था वो रिलेटिवली स्मूथ था। हम इसको रिलेटिवली कहते हैं कि ये आर टू टाइप का बैक्टीरिया था और ये एस थ्री टाइप का बैक्टीरिया जो प्रेजेंट था। पर कुल मिला के जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो किस किस के बीच में हुआ, एक बैक्टीरिया को लेकर और दूसरा उसने लिया माइस। चूंकि आप नाम से अगर देखो निमोनिया, यानी निमोनिया तो एक डिजीज होती है, तो यानी कि एक बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरिया कैसा है, निमोनिया कोज करने वाला। जो ग्रिप था उसने एक्सपेरिमेंट को चार डिफरेंट फेजेस के अंदर डिवाइड कर लिया। फर्स्ट फेज उसने क्या किया कि जो आर टाइप बैक्टीरिया है उसको इंजेक्ट कर दिया, किसके अंदर कर दिया इंजेक्ट, माइस के अंदर, एंड फिर उसने रिजल्ट के लिए देखा कि क्या होता है। जब उसने आर टाइप को इंजेक्ट किया माइस के अंदर तो माइस जो है वो अलाइव रहा, उसको कोई भी डिजीज नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या है कि जो आर टाइप का बैक्टीरिया है वो पैथोजेनिक नहीं है, वो वायरुलेंट नहीं है, यानी कि वो डिजीज कॉज नहीं करता। उसने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने क्या किया, एस टाइप का बैक्टीरिया लिया और एस टाइप के बैक्टीरिया को इंजेक्ट कर दिया, और इंजेक्ट किसके अंदर कर दिया, माइस के अंदर, यानी उस चूहे के अंदर जो है इंजेक्ट कर दिया। और इसमें इंजेक्ट करने की वजह से क्या हुआ, जो माइस जो है वो डेड हो गया। अब माइस की डेथ का कारण क्या था, ड्यू टू निमोनिया। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि आर टाइप का जो बैक्टीरिया है वो डिजीज कोज करता है, लेकिन जो एस टाइप का बैक्टीरिया है वो डिजीज कोज नहीं करता, सिंपल सा है ना। पर ये रुका नहीं यहां पे, इसने थर्ड एक्सपेरिमेंट और किया। थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था, उसने एस टाइप बैक्टीरिया को हीट कर दिया काफी ज्यादा, और हीट किल्ड करने के बाद उसने इंजेक्ट कर दिया किसके अंदर, माइस के अंदर। और जब इसने माइस को इंजेक्ट किया तो होना तो क्या चाहिए था, माइस की जो डेथ हो जानी चाहिए थी, लेकिन चूंकि वो काफी ज्यादा हीट कर दिया,
हीट करने की वजह से क्या होगा, जो बैक्टीरिया की सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और बैक्टीरिया की सेल जब डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो उसके अंदर सारा मटेरियल जो है वो भी डिग्रेड हो चुका होगा, और अल्टीमेटली क्या उससे डिजीज होने के चांसेस होंगे, नहीं होंगे। तो रिजल्ट कैसा है, रिजल्ट भी यही आया कि माइस जो है वो अलाइव रहा, यानी उसकी डेथ जो है वो नहीं हुई और उसको निमोनिया नहीं हुआ। यहां तक कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में ना आई हो, आई थिंक ये चीज यहां तक जो है क्लियर हो चुकी है। बट अभी वो रुका नहीं इस जगह भी, उसने जो है इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाया, और एक स्टेप आगे उसने बढ़ाकर क्या किया जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। उसने ये काम किया कि जो आर टाइप का बैक्टीरिया है जो कि डिजीज कॉज नहीं करता, और जो एस टाइप का बैक्टीरिया है, एस टाइप का बैक्टीरिया कौन सा, जो हीट किल्ड हो चुका है, उसको आपस में मिक्स कर दिया। ये भी डिजीज निकलने लग रहा था और ये भी डिजीज नहीं करने लग रहा था, कोई भी डिजीज नहीं करने लग रहा था। एंड इन दोनों को लिया और इनको इंजेक्ट कर दिया इसके अंदर, माइस के अंदर, और माइस के बाद इंजेक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आया वो ये कि जो माइस है वो डेड हो गया ड्यू टू निमोनिया। तो इसका मतलब उसको डिजीज होगी एंड माइस की जो है वो डेथ होगी। तो ये लिटिल बिट सरप्राइजिंग था क्योंकि जो आर टाइप का बैक्टीरिया है वो डिजीज पहुंचाता नहीं, और जो डिजीज पहुंचाने वाला है वो तो पहले ही मरा हुआ है। अब कोई मरा हुआ निमोनिया कैसे कर सकता है, नहीं कर सकता है ना। लेकिन हमें जो रिजल्ट मिला है उस रिजल्ट में तो जो माइस है उसकी डेथ हुई, और वो भी डेथ कैसे हुई, निमोनिया की वजह से। वट इट मीन्स कि अगर निमोनिया हुआ है तो पक्का एस टाइप का बैक्टीरिया रहा होगा, और अगर एस टाइप का बैक्टीरिया रहा होगा तो जो मरे हुए हैं वो तो जिंदा नहीं हो सकते, लेकिन जो जिंदा है वो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। तो उसने कंक्लूजन दिया, और जो कंक्लूजन है वो कुछ ऐसा है, कंक्लूजन उसने दिया, और जो कंक्लूजन है वो ये है कि एज माइस डाई ड्यू टू निमोनिया, हैंस आर टाइप बैक्टीरिया कन्वर्टेड इंटू एस टाइप बैक्टीरिया बाय द ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर्स। अब ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर्स हैं क्या वो उसने बताया नहीं, लेकिन उसने बता दिया कि जो आर टाइप का बैक्टीरिया है वो एस टाइप के बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया होगा, लेकिन वो कन्वर्ट कैसे हुआ होगा तो इसके बारे में उसको कोई आइडिया जो है वो नहीं था। लेकिन ये पक्का था कि एस टाइप का बैक्टीरिया होगा, लेकिन वो एस टाइप का बैक्टीरिया आर टाइप ही कन्वर्ट हो सकता है क्योंकि मरा हुआ तो जिंदा नहीं हो सकता। एंड कॉज डिजीज, ठीक है भाई। एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसफॉर्म हो गया। ट्रांसफॉर्म कौन किस में हो गया, जो आर टाइप का बैक्टीरिया हो किसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया, एस टाइप के बैक्टीरिया के अंदर हो गया, और वो किसके द्वारा हो गया, कोई ना कोई उसके लिए जो है ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर कौन हो सकता है इसके बारे में उसने जो है नहीं बताया। क्लियर है भाई, एक्सपेरिमेंट यहां तक खत्म है। लेकिन इसके बाद में ये ज्यादा सोच होने लग गई कि अगर एक टाइप का बैक्टीरिया दूसरे टाइप के बैक्टीरिया में कन्वर्ट अगर हो जाता है तो किसकी वजह से हुआ होगा। अब अगर इस एक्सपेरिमेंट के अंदर देखें, आर टाइप के साथ में ऐसा वो एस टाइप के बैक्टीरिया के अंदर कैसे कन्वर्ट हो सकता है, जरूर एस का कुछ ना कुछ पार्टिकल जरूर उसके साथ जो है कंबाइन हुआ होगा, उसकी वजह से ही ऐसा कुछ जो है ट्रांसफॉर्मेशन हुई होगी। अब उनके लिए एक अलग एक्सपेरिमेंट जो है किया गया, वो ग्रिफिथ ने नहीं किया बल्कि तीन अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। उन तीन साइंटिस्ट का नाम है एवरी, मैकलॉयड एंड मैककार्टी। तो तीन अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेम इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, और आगे इन्होंने बढ़ाया क्या, इनका जो प्रिंसिपल टारगेट था वो टारगेट यही था, डिटेक्ट दी ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर।
तो इनका जो एम था वो खाली यही था कि उसको पता करो जो ट्रांसफॉर्म करने लग रहा है एक फोरम से दूसरे फोरम में, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या क्या काम किया, इन्होंने एस टाइप के बैक्टीरिया लिए, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का एक्सट्रैक्ट जो है वो ले लिया, और एक्सट्रैक्ट लेके जो बैक्टीरिया है उसके अंदर जो भी पाया जाता है उसने सेपरेट कर लिया। जैसे इसके अंदर जो लिपिड पाए जाते हैं वो सेपरेट कर लिए, इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो इसने सेपरेट कर लिया, इसके अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है वो इसने सेपरेट कर लिया, इसके अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो भी इन्होंने जो है वो सेपरेट कर लिया, ठीक है। क्योंकि एक बड़ा सिंपल सा कारण है कि ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर क्या करने लग रहा है, आर को एस टाइप के अंदर कन्वर्ट करने लग रहा है, लेकिन किसकी वजह से करने लग रहा है वो पता नहीं, लेकिन जो भी करने लग रहा है वो एस स्ट्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होगा। तो एस स्ट्रेन के अंदर क्या होगा, या तो कोई लिपिड होगा या कार्बोहाइड्रेट होगा या प्रोटीन होगा या फिर डीएनए होगा, सिंपल सा है ना। तो अब उसके बाद में क्या किया जाए, क्योंकि हर कंपोनेंट जो है वो अलग कर दिया गया है, अब हर कंपोनेंट को एस टाइप के बैक्टीरिया के कल्चर के अंदर डाल के देखा जाए और ये डिटेक्ट किया जाए कि ट्रांसफॉर्मेशन हुई या नहीं हुई। अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई तो इसका मतलब यह है ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर यही है, नहीं तो ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर कोई और ही होगा, ठीक है। तो इन्होंने लिपिड लिया और लिपिड को डाल दिया किसके अंदर, एक ऐसे कल्चर के अंदर जहां पे आर टाइप का बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट है। तो आर टाइप के बैक्टीरिया के कल्चर के अंदर जब इन्होंने इसको डाला तो इसका जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट ये आया कि इसके अंदर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। अगर कोई भी इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई यानी कि जो आर टाइप का है वो एस टाइप में कन्वर्ट नहीं होता, इट मींस लिपिड आर नॉट दी ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर। सेकंड भाई कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट जो एस टाइप का है वो लिया एंड उसको डाल दिया किसके अंदर, एक कल्चर के अंदर, और उस कल्चर के अंदर क्या प्रेजेंट है, आर टाइप के बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट है, एंड उस कल्चर मीडियम के अंदर जब इन्होंने कार्बोहाइड्रेट को डाला तो इसका रिजल्ट क्या आया, नो ट्रांसफॉर्मेशन, इसके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। तो व्हाट इट मींस, इट मींस बड़ा सिंपल सा है कि ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं है। थर्ड भाई प्रोटीन जो है वो डाला कल्चर मीडियम के अंदर, और जब कल्चर मीडियम के अंदर डाला तो जो आर टाइप के बैक्टीरिया हैं इसके अंदर उनके अंदर अभी भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई तो व्हाट इट मींस कि प्रोटीन भी ट्रांसफॉर्मिंग पार्टिकल जो है वो नहीं है। लास्ट डीएनए जो है वो डाला गया किसके अंदर, जो आर टाइप का जो कल्चर है उसके अंदर जो है डाला गया, एंड उस कल्चर के अंदर डालने के बाद में जो रिजल्ट आया वो बड़ा सरप्राइजिंग था, और जो सरप्राइजिंग रिजल्ट था वो ये था कि इसके अंदर जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हो गई, और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि आर टाइप का जो है वो एस टाइप के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो ग्रिफ्थ ने देखा कि जो आर टाइप के है वो एस टाइप के बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गए, तो यानी कि जो ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर है जिसने कि आर को एस में कन्वर्ट किया वो एक्चुअल में डीएनए ही है, ठीक है जी, इना क्लियर है। लेकिन ये यहां पे रुके नहीं, इन्होंने इसके बाद क्या किया, इन्होंने डीएनए डाला, इन्होंने एक सेपरेट एक्सपेरिमेंट और किया, और उस सेपरेट एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने क्या किया, पोल एस स्ट्रेन एक्सट्रैक्ट जो है वो ले लिया, लेकिन उसके साथ में क्या ऐड कर दिया, डीएनए क्या है, डीएनए इज एन एंजाइम, और वो एंजाइम जो है वो कुछ ऐसा है कि एंजाइम बड़े स्पेसिफिक होते हैं पर्टिकुलरली अपने सब्सट्रेट को लेकर। अगर मैं डीएनए कहने लग रहा हूं तो इसका मतलब वो किस सब्सट्रेट के ऊपर एक्ट करने लग रहा होगा, डीएनए के ऊपर एक्ट करने लग रहा होगा, और अगर डीएनए के ऊपर एक्ट करने लग रहा तो किसको ब्रेक डाउन करेगा, अल्टीमेटली डीएनए को ही ब्रेक डाउन करेगा। इसका रिजल्ट क्या आया, नो ट्रांसफॉर्मेशन। तो व्हाट इट मींस भाई, इट मींस बड़ा सिंपल सा है कि ट्रांसफॉर्मेशन कब होती है, जब डीएनए प्रेजेंट होता है, और जब तक कोई दूसरी चीज होती है तब तक ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन किसकी वजह से हुई है, डीएनए की वजह से हुई है।
तो यानी कि डीएनए एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी वजह से एक करेक्टर जो है वो प्रोड्यूस होता है। अगर करेक्टर इसकी वजह से प्रोड्यूस होता है तो इसका मतलब मेंडल ने जिसको जीनोटाइप कहा था वो एक्चुअल में जीनोटाइप डीएनए ही है, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, उसी की वजह से करेक्टर आते हैं। बट इस एक्सपेरिमेंट को वैलिड जो है वो नहीं माना गया। कारण क्या है? कारण बड़ा सिंपल सा था कि उस टाइम पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उस टाइम पे इतनी ज्यादा हुई नहीं थी, तो उस टाइम पे जो डीएनए जो है एक्सट्रैक्ट आउट किया गया था वो डीएनए उस टाइम के हिसाब से कॉन्ट्रोवर्सियल था, यानी कि प्यूरिफाइड एंजाइम उसको नहीं मानते थे। दूसरा, जो इन्होंने अलग अलग एक्सट्रैक्ट बनाए डीएनए का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का, उसके ऊपर भी डाउट था वेदर दे आर ओनली लिपिड या इसके साथ और कोई दूसरी चीजें मिक्सर भी है। एक जो इनसे बहुत बड़ी गलती होने लग रही थी वो ये कि ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई वो 100% नहीं हुई। इसका मतलब कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि आर टाइप के जो बैक्टीरिया है वो कुछ तो कन्वर्ट हो गए एस टाइप के बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन कुछ जो है आर टाइप के ही बने रह गए। जब 100% ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई तो इसका मतलब क्या है? दाल में कुछ काला है ना। तो अल्टीमेटली रिजल्ट यही आया कि हालांकि उन्होंने काम बिल्कुल सही किया था बट इस चीज को वैलिड जो है नहीं माना गया। तो एक लास्ट एक्सपेरिमेंट जिसको वैलिड माना गया जो एग्जाम के अंदर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जो हमारा लास्ट एक्सपेरिमेंट है वो है आरसीएचएस एक्सपेरिमेंट, जिसको फाइनली जो है कंफर्म मान लिया गया कि हाँ डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। बट इस डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल का बेस क्या होगा? बेस सिंपल सा है कि जेनेटिक मटेरियल यानी कि एक ऐसा मटेरियल जो अगली जनरेशन के अंदर चला जाए एंड वहां पर जाकर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। अगर कोई मटेरियल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग जनरेशन के अंदर अगर चली जाती है तो उसी को ही हम जेनेटिक मटेरियल कहेंगे। क्लियर है इतनी सी बात? तो हर्शेज ने एक्सपेरिमेंट किया किसके ऊपर? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बैक्टीरियोफाज के ऊपर। जो बैक्टीरियोफाज है उसके अंदर एक अलग सी चीज है जो और डिफरेंट सेलों के अंदर नहीं होती, और वो अलग सी चीज क्या है कि इसकी जो बॉडी है वो बॉडी एक्चुअल में केवल दो ही चीजों से मिलकर बनी हुई है, और उसके अंदर दो जो चीजें हैं, एक उसके अंदर प्रोटीन कोट है, एक प्रोटीन कोट है, और दूसरा इसके अंदर डीएनए है। तो इसके पास दो ही चीज है, या तो डीएनए है या फिर प्रोटीन कोट है। जो कंफ्यूजन है कि जेनेटिक मटेरियल वेदर डीएनए है या प्रोटीन है या फिर कोई और है, तो उसके लिए अगर केवल दो ही ऑप्शन मिले तो उसमें रिलेटिवली और आसानी हो जाती है। तो हर्शे और चेज ने बैक्टीरियोफाज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। तो ये एक बैक्टीरियोफाज है। बैक्टीरियोफाज का मतलब क्या है? बैक्टीरियोफाज, फाज का मतलब है वायरस, लेकिन बैक्टीरियो लग गया तो इसका मतलब बैक्टीरियल वायरस। बैक्टीरियल वायरस का मतलब क्या है कि एक ऐसा वायरस है जो केवल बैक्टीरिया के ऊपर ही इन्फेक्शन करता है और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे इन्फेक्शन नहीं करता। क्योंकि इनके पास केवल दो ही चीज होती है, इसी वजह से जो हर्शे और चेज है उन्होंने एक सिंपल सा काम किया, वो ये कि अगर डीएनए अगर जेनेटिक मटेरियल होगा तो वो अगली जनरेशन के अंदर दिखना चाहिए, और अगर प्रोटीन अगर जेनेटिक मटेरियल होगा तो वो अगली जनरेशन के अंदर दिखना चाहिए। बट वो अगली जनरेशन के अंदर गया या नहीं गया तो उसके लिए मैं क्या कर दूं, उसको लेबल कर दूं। तो हर्शे चेज ने बैक्टीरियोफाज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो डीएनए है उसको इसने रेडियो एक्टिवली लेबल कर दिया। सो यहां पर अगर आप देखोगे तो मैंने यहां पर रेड कलर जो है वो कर रखा है। रेड कलर रिप्रेजेंटेशन के लिए है कि यहां का जो डीएनए है वो कैसा है, रेडियो एक्टिव डीएनए है, और वहां पर P32 मटेरियल जो है वो यूज किया गया है। दूसरे के अंदर भी जो है डीएनए प्रेजेंट होता है, एक के अंदर तो हमने लेबल कर दिया। क्या लेबल कर दिया हमने? डीएनए जो है वो लेबल कर दिया कि भाई अगर जेनेटिक मटेरियल ये होगा तो अगली जनरेशन के अंदर रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट होगी, नहीं तो रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं होगी। तो डीएनए तो लेबल हो गया, तो अब इसके पास दूसरी चीज क्या थी, प्रोटीन। अब प्रोटीन को भी जो है रेडियो एक्टिव जो है वो लेबल कर दें। तो इसने S32 जो S35 जो है वो यूज किया, और S35 से इसने लेबल कर दिया प्रोटीन कोट, यानी कि बाहर की जो इसकी बॉडी है उसको लेबल कर दिया, किससे, S35 से जो है लेबल कर दिया। तो अब डीएनए की प्रोटीन जो है वो रेडियो एक्टिव है। अगर ये जेनेटिक मटेरियल होगा तो इसके अंदर जो प्रोटीन है, इसके अंदर जो प्रोटीन है वो रेडियो एक्टिव है। प्रोटीन कैसा है? रेडियो एक्टिव है। डीएनए कैसा है? नॉर्मल है। ठीक है, तो अब सिर्फ क्या देखना है, अब सिर्फ यही देखना है कि अगली जनरेशन के अंदर अगर डीएनए रेडियो एक्टिव अगर पाया गया तो इसका मतलब डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल होगा। अगर
के अंदर गया और अगर वो रेडियोएक्टिव है तो इसका मतलब प्रोटीन वो रेडियोएक्टिव होगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। तो इसने इस एक्सपेरिमेंट को तीन डिफरेंट स्टेप के अंदर डिवाइड कर दिया। पहला क्या, इन्फेक्शन करो। इन्फेक्शन का मतलब क्या है कि क्योंकि ये बैक्टीरियोफाज है और बैक्टीरियोफाज किसके ऊपर एक्ट करते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर। तो लेट से ये अपना एक बैक्टीरिया है एंड ये उसका अपना जीनोम है, तो पहले इन्फेक्ट होता है और जब इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन के अंदर जो वायरस है वो अटैच होता है किसके साथ में, बैक्टीरिया के साथ जो है अटैच होता है, जिसके साथ जेनेटिक डीएनए कैसा है, रेडियो एक्टिव है। सिमिलरली इस एक्सपेरिमेंट के अंदर भी क्या किया, यही काम किया कि जो बैक्टीरियल सेल ली, ये एक बैक्टीरिया की सेल है, ये भी एक बैक्टीरिया की सेल है एंड यहां पर वायरस का इन्फेक्शन जो है वो कराया। जो वायरस का इन्फेक्शन जो यहां पे कराया उसके अंदर प्रोटीन कोट कैसी है, भाई रेडियो एक्टिव है, और इसके अंदर डीएनए कैसा है, वो रेडियो एक्टिव नहीं है। ठीक है जी। तो सिंपल सा है, दो बैक्टीरियोफाज लिए, एक में रेडियो एक्टिव ले लिया डीएनए और एक में रेडियो एक्टिव ले लिया प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट जो लिया उसके अंदर यूज क्या कर रखा है, P35 एंड जहां पे डीएनए रेडियो एक्टिव लिया है वहां पर P32 जो है वो यूज किया। फर्स्ट स्टेप जो है वो क्लियर हो गया, इन्फेक्शन जो है वो कर देगा। इन्फेक्शन के बाद क्या होगा, उसके बाद एक ब्लेंडर जो है वो यूज किया गया एंड जब ब्लेंडिंग होगी तो ब्लेंडिंग एक ऐसी मशीनरी है जो शेक करवाती है और उस शेक करवाने से क्या होगा कि एक बार अगर इन्फेक्शन हो गया तो फिर इस बैक्टीरिया को इसके सेल सरफेस से अलग कर दो एंड लेट इट हैपन व्हाट एवर हैपन इन दिस सेल। तो ब्लेंडिंग से क्या होगा, एजिटेट कराएंगे एंड उससे जो वायरस है एंड जो सेल है यानी जो बैक्टीरिया है वो एक दूसरे से सेपरेट जो है वो हो जाएंगे। ठीक है। तो जो बैक्टीरिया है एंड जो ये है हमारा, ये आपस में एक दूसरे सेपरेट जो है वो हो जाएगा क्योंकि हमने क्या कर दिया, ब्लेंडिंग कर दिया। सेम यहां पर भी कि जो बैक्टीरिया की सेल है वो अलग हो जाएगी और जो वायरस है वो जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है जी, इतना हो गया। फिर उसके बाद में क्या, उसके बाद में थर्ड स्टेप करेंगे कुछ टाइम के बाद में, इनको ऐसा कैसा जो है पड़ा रहने देंगे। ठीक है। एंड लेट इट हैपन व्हाटएवर हैपन क्या करेगा भाई, वायरस का एक ही काम है और वायरस का क्या काम है, अपनी बहुत सारी कॉपियां जो है वो बनाना। ठीक है। तो थर्ड जो स्टेप है उसके अंदर हम करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो टेस्ट ट्यूब जो है उनको लेते हैं, उनको काफी गोल गोल घुमाते हैं एंड अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी जो हैवी होती है वो नीचे बैठ जाती है और लाइट होती है वो ऊपर की तरफ जो है चली जाती है। ठीक है। अगर वायरस की कॉपी अगर अंदर बनी होगी और वो सेल के अंदर होगी और तो सेल हैवी होती है, तो जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे हम सेल का तो जो हमें टेस्ट ट्यूब जो हमें मिलेगी उस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक तो ऐसी पैलेट होगी जो नीचे की तरफ प्रेजेंट होगी और एक सुपरनेटेंट होगी जो ऊपर की तरफ जो है प्रेजेंट होगी। तो ऊपर की तरफ जो है वो सुपर नेटेंट एंड नीचे की तरफ जो है वो पैलेट। सेम यहां पर भी ऐसा ही, जब इसको भी सेंट्रीफ्यूज कराएंगे तो ऊपर की तरफ जो लिक्विड आएगा वो इसका सुपर नेटेंट और नीचे जो आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका पैलेट आएगा। ठीक है। पैलेट क्या रिप्रेजेंट करती है, पैलेट रिप्रेजेंट करती है कि ये सेल है, कौन सी, बैक्टीरिया की सेल है। सुपरनेटेंट के अंदर कोई स्मॉल यानी कि वायरस या फिर कोई डिफरेंट चीज जो है वो आ सकती है। अगर हम इसकी अगर पैलेट देखते हैं तो इसकी जो पैलेट आती है वो आती है नॉन रेडियो एक्टिव। लेकिन जो सुपरनेटेंट है वो कैसा आया, वो आया रेडियो एक्टिव। अगर हम यहां पर देखें तो इसकी जो पैलेट थी वो आई कैसी, रेडियो एक्टिव, और जो सुपरनेटेंट है वो कैसा आया, नॉन रेडियो एक्टिव। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, अगर इन्फेक्शन सेल के अंदर हुआ है तो वायरस बाहर अपनी कॉपी नहीं बनाता, वायरस कहां कॉपी बनाता है, सेल के अंदर कॉपी बनाता है। अगर सेल के अंदर कॉपी बनाता है तो सेल के अंदर कई सारे वायरस जो है वो बने होंगे, तो इसका मतलब जब यहां पर इन्फेक्शन हो चुका है
तो कई सारी वायरस की कॉपी यहाँ पर जो है बनी होगी, तो यहाँ पर कई सारी वायरस की कॉपी जो है वो बन गई होगी, यहाँ पर भी वायरस की ढेर सारी कॉपी जो है वो बनी होगी, यहाँ पर भी वायरस की ढेर सारी कॉपियां जो है बनी होगी, क्योंकि वायरस जब इन्फेक्शन करता है तो कई सारी वायरस की कॉपियां जो है बनती है। जब हमने सेंट्रीफ्यूज किया तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमने देखा कि जहां पे प्रोटीन जो रेडियो एक्टिव था तो वो इस पैलेट के अंदर दिखाई नहीं दिया। पैलेट यानी कि सेल, सेल के अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं है। अगर सेल के अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं है तो इसका मतलब वायरस की जो अगले जनरेशन है उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं है। अगर सेल के अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं है तो व्हाट इट मींस कि जो प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। बट जिसके अंदर डीएनए रेडियो एक्टिव किया गया था उसकी जो सुपरनेटेंट देखते हैं, सॉरी उसकी अगर पैलेट देखते हैं तो वो रेडियो एक्टिव जो है पाया जाता है। पैलेट सेल सेल की है और जो सेल है उसके अंदर कई सारे वायरस है, यानी कि इस वायरस की अगली प्रोजेनी है। तो इसका मतलब जो अगली प्रोजेनी है उसके अंदर रेडियो एक्टिव जो है वो रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है। अगर वो रेडियो एक्टिविटी अगर पाई जाती है तो व्हाट इट मींस कि जो डीएनए रेडियो एक्टिव था वो अगली जनरेशन का अंदर चला गया। इसका मतलब डीएनए ही जेनेटिक मटीरियल है। ठीक है, तो आई थिंक आपको जो है समझ में आया होगा। अगर कोई आपके डाउट है तो आप उसको कमेंट करें, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।